प्लास्टिक रीत को पुराने जैसा बनाएं। इसे स्कल से सजाएं। ओह, लाल आंखें। स्नैप, सारी चीजें मकड़ी के जाले से कवर हैं। ओह, डरावना है। मलेफिसेंट को पता है, उसकी कजन एल्सा एरेंडल के किंगडम में रहती है। मैं एक जादुई मिरर बनाऊंगी। मैं एल्सा की सुंदरता चुरा लूंगी। और यहाँ रॉयल फैमिली लिविंग रूम में मजे कर रही है। ये है उसके फेवरेट गाने। तुम अकेले क्यों गा रहे हो? एल्सा, हनी, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे खुशी है, आखिरकार तुम साथ में रहना चाहती हो। शुक्रिया, मैं इसे लिविंग रूम में लटकाऊंगी। आह, मेरी परछाई बदल रही है। वो हो। आह, एल्सा, तुम पहले की तरह बिल्कुल नहीं लग रही हो। मुझे अकेला छोड़ दो। इस बेकार कैसल को खत्म करने का समय आ गया है। ओलाफ, क्या तुम ठीक हो? मलेफिसेंट ने एल्सा पर जादू कर दिया, अब हम क्या करें? हमारे पास थोड़ा सीक्वेंट फैब्रिक है। वोला, एल्सा को ग्लिटरी ब्लैंकेट से कवर करें। ड्रेस को स्लीव से पूरा करें। बेल्ट, कट और कफ्स को चमकीली स्ट्राइप से सजाएं। स्नैप, एक लंबी ट्रेन पीछे लगेगी। एल्सा का लुक काफी बदल गया है। उसके ब्लॉन्ड बालों में ब्लू और ग्रे स्ट्रैंड्स हैं। एल्सा अपनी आइस पावर्स को काबू करने की कोशिश कर रही थी, पर अब वो बुरी बन चुकी है। इतने बड़े बदलाव के बाद एल्सा को पता लगा कि उसका जादू भी डार्क होता जा रहा है। मुझे डर लग रहा है, मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा। ओह, मेरी पावर। अचानक से डार्क स्नो में से खरगोश आता है। बेबी, मुझसे डरो मत। एक पल के लिए उसे उसकी लाइट पावर्स मिल जाती है और चमकदार स्नोफ्लेक्स आसमान से गिरना शुरू हो जाते हैं। चलो एक पुरानी चेयर को एक डार्क थ्रोन में बदलते हैं। बड़े काले पंख पीछे के हिस्से को सजाएंगे। सिल्वर से फ्रेटवर्क को पुराना सलूक दें। उसे आइसी स्नोफ्लेक से सजाएं। आइसी स्टड्स को इस तरह लगाएं। ओह, मेरा नया थ्रोन शानदार है। मुझे डार्क फर्नीचर बहुत पसंद है। थैंक यू। अब मैं इस थ्रोन पर बैठ सकती हूँ। सब एल्सा को सलाम करो, एक नए एरा की शुरुआत होने वाली है। जैसा आप चाहें। एक लीटर बोतल को खाली करें। फेल्ट से टॉप काटें। जादुई बॉल को हाईलाइट करें। यहाँ पर ग्लिटरी सितारों का पूरा यूनिवर्स है। इस पर चमकदार स्टार्स लगाएं। यहाँ पर सिर्फ स्केलेटन्स हैं। मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है। तुम मुझे क्या बता सकते हो? मेरी हड्डियों में दर्द है। और तुम कैसे हो? ओह, ये कॉफिन बहुत टाइट है। ओह, स्केलेटन्स बहुत बोरिंग है। इसके पीछे क्या छिपा है? वाह, एक जादुई बॉल। एल्सा ने सुपर पावर्स हासिल की। चलो देखते हैं मेरी बहन, मेरे दोस्त और ओलाफ क्या कर रहे हैं। ओह, मुझे दिख रहा है कि वो अकेले और दुखी हैं। वो मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। बेचारे, मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। किंडर एग के आधे हिस्से को ब्लैक कोल्ड्रन में बदले। हमने तार से मुड़े हुए पैर बनाए हैं। कोल्ड्रन को कॉपर की तरह हाईलाइट करें। साइड से नियॉन पोशन की बूंदें नीचे टपक रही हैं। ओलाफ, मदद करो। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मैं एक बुरी विच बन रही हूं। हे भगवान, जो भी मैं छूती हूं वो बुरा बन जाता है। अब हम कुछ करते हैं। सबसे पहले ये एंटी मैजिक ग्लव्स पहनो। अच्छा आइडिया है, शुक्रिया। दूसरा, मैं एक पोशन बनाऊंगा जो तुम्हें ठीक करके पहले जैसा बना देगा। उम्मीद है बस मुझे रेसिपी याद हो। पी लो। ओके।
नहीं ओलाफ, ये तुमने क्या कर दिया? उप्स, मुझसे गलती हो गई। ये तो और बुरा हो गया। ओ नहीं, ओ नहीं। हॉट ग्लू से इंस्क्रिप्शंस बनाएं, बॉटल्स पर डार्क पेंट करें। अजीब प्लांट्स और मकड़ियां इन कॉर्क्स को सजाएंगे। हमें क्या चाहिए? ये सफेद फूल ले लिए। मुझे कुछ मिला है, हम बाद में आ जाएंगे। खैर, फिर से ट्राई करते हैं। मैं सूखे फूलों को ग्राइंड करूंगा। ओह, ये खोल रहा है। अब कुछ सीक्रेट दवाइयाँ। चलो सब कुछ मिक्स करते हैं। तैयार है, इसे पी लो। सीन गायब हो गए। ओह, ये काम कर गया। ओह नहीं, नए वाले आ गए। ये क्या हो रहा है? देखो, पर ये वाले प्यारे हैं। प्लास्टिक कैप में एक पुराना पेन लगाएं, टांगे लगाएं और ऊपर क्लियर स्प्रिंग लगाएं। कैंडलस्टिक के लिए मेटल के पीसेस लगाएं। कैंडलस्टिक बहुत सुंदर लग रही है। सभी चीजों को डार्क ब्लू कलर से पेंट करें। यहाँ हॉट ग्लू और मोम की बूंदे हैं। कैंडलस्टिक को स्कर्ल से सजाएं। ये एक डार्क मास्टरपीस है। एल्सा ने जवाब की तलाश में बहुत सारी जादुई किताबें पढ़ ली, पर उसे शैतानी मिरर की कोई जानकारी नहीं मिली। एल्सा, तुम कैसी हो? क्या तुम्हें कुछ मिला? ओह, यहाँ बहुत अंधेरा है। अब हम कैंडल्स जलाएंगे। तुम और पढ़ सकती हो, क्या तुम्हें कुछ मिला? अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन कैंडलस्टिक के लिए शुक्रिया। क्या तुम्हें और रोशनी चाहिए? मुझे एक किताब चाहिए थी। मैं अभी गिर जाता। चलो साथ में ढूंढते हैं। okay. एक ट्रक ने काफी कचरा गिरा दिया। टुकड़ों से चिकन फीट बनाए, उन्हें हॉट ग्लू से भरें। जादुई रस्म के लिए चिकन फीट बहुत जरूरी है। ओलाफ अभी भी एल्सा का श्राप हटाना चाहता है। आप मार्केट से कुछ भी खरीद सकते हैं। मैं जरूर चिकन फीट ढूंढ लूंगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे बिल्कुल यही चाहिए था। शुक्रिया। चलो चिकन फीट को पोशन में डालकर देखते हैं। खैर, फिर से ट्राई करते हैं। ओलाफ, देखो, सीन गायब हो गए, लेकिन बाकी सब वैसा का वैसा ही है। पेपर से एक जादुई स्क्रॉल बनाएं, ड्राई पेस्टल से इसे पुराने जैसा लुक दें, स्ट्रॉस को शीट पर चिपकाएं। यहाँ बीच में एक एंशिएंट मंत्र लिखा हुआ है। स्क्रॉल को रस्सी से बांधें, ये सदियों से सभी से छिपा हुआ था। ओलाफ एंशिएंट किताबों और स्क्रॉल्स में जवाब ढूंढ रहा था। ओह, मेरे पास आखिरी बचा है। लगता है मुझे मिल गया। उप्स, लगता है कोई गड़बड़ हो गई। अब हम दो हो गए, अब दो गुना मजा आएगा। ही ही। ओलाफ, क्या मुझे दो दिख रहे हैं? ये जादुई स्क्रॉल लो और मंत्र को पढ़ो। उप्स, अब हमारे पास दो एल्सा है। ये बहुत अजीब है, लेकिन मजेदार भी है। एक पुराने कप को कॉपर पेंट करें, इसे कीमती स्टोन्स और राइनस्टोन से सजाएं। एल्सा, एल्सा, आना, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। जाओ यहाँ से। लेकिन एल्सा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। आना ने रोना शुरू कर दिया और आंसुओं की एक बूंद गॉबलेट में गिर गई। ठीक है, मैं जा रही हूँ। एल्सा आना के जाने से काफी दुखी थी, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। ओह, पानी, मैं बहुत तेज दौड़ रहा था, इसलिए मुझे प्यास लग गई। यकीन नहीं होता। ओलाफ, तुम वापस पहले जैसे हो गए। ओह, सच में, शायद मुझे भी इसे ट्राई करना चाहिए। एक चमत्कार हुआ, उसकी बहन के प्यार ने एल्सा को वापस पहले जैसा बना दिया। एरेंडल वापस नॉर्मल हो गया। आपके दोस्तों की छोटी सी भी मदद सब कुछ ठीक कर सकती है।